ओके भाई, तो स्वागत है तुम्हारा एक और नए व्लॉग में। और आज पुल्ले है, पुल्ले मतलब एज इन की बैक करना है। और ट्रैप्स शायद ही करेंगे क्योंकि अभी ये वाला थोड़ा सा रिकवर और हो जाए। कल हालांकि काफ़ी अच्छे से ट्रेन किया था, हो भी गया था। और यही मेन चीज़ें, बाकी हमें क्या नेक ट्रेन करनी है और रियर डेल्ट भी ट्रेन करेंगे और फोर आर्म्स, यही छोटी छोटी मसल रहनी है आज, कोई मेजर मसल नहीं रहनी बैक को छोड़ के। तो तुम देखोगे बैक के तीन ही मूवमेंट करेंगे, जिसमें से एक लैट पुल डाउन होगा, एक रोज होगा और बस एक शायद लोअर बैक के लिए रखेंगे, पुल ओवर जैसा कुछ रखेंगे, और तो कुछ नहीं रखने वाले। बाकी आखिरी में नेक को ट्रेन करना ही करना है, तो वो तुम देखोगे। शुरू करेंगे पुल ओवर, क्या कहते हैं, लैट पुल डाउन से न्यूट्रल ग्रिप, क्योंकि वो हमने कुछ टाइम से नहीं किया है तो वो करेंगे, तो वो तुम देखोगे। फिलहाल के लिए तुम्हें बता दें कि मेरे ख्याल से तुम्हें बता दिया कि अवतार का क्रिएटिन भी लॉन्च हो गया, और शायद अभी जब तुम ये वीडियो देख रहे होगे तो सेल चल रही होगी मेरे ख्याल से, जिसमें वो क्रिएटिन फ्री दे रहे हैं वे प्रोटीन के साथ। तो वो चीज़ सही है, हमें लगा तुम्हें बता देना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से साला हम क्रिएटिन में पैसा लगा रहे थे, तो वो बच जाएगा और इस टाइम पे तो साला फ्री मिल रहा है वे प्रोटीन के साथ। तो हमने सोचा तुम्हें बता दें। बाकी तुम्हें कोड पता ही है एडिशनल डिस्काउंट के लिए, जो वेबसाइट पर ऑफ़र है उससे अलग और तुम्हें एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा अगर तुम कोड यूज़ करते हो अंकित जी अवतार करके, ऐसे कुछ कोड है तुम्हें देखने को मिल ही जाएगा यहाँ स्क्रीन पे। तो बताना भाई यूज़ करके कैसा लगा, हम भी मेरे ख्याल से पहली बार ही यूज़ करेंगे अवतार का क्रिएटिन, तो हम भी अपडेट देंगे अगले महीने कैसा रहता है वो। फ्लेवर्ड नहीं है, रॉ ही है, बस ये हमें थोड़ा सा लगता है, बट चलेगा, शायद आने वाले दिनों में फ्लेवर्ड भी लाए, तो वो चीज़ देखेंगे। बाकी अभी शुरू करेंगे न्यूट्रल ग्रिप लैट पुल डाउन से, और इसमें अभी हम अपना क्रिएटिन और क्या कहते हैं BCAA मिक्स करेंगे, क्योंकि अभी हमने क्रिएटिन का कंजम्पशन थोड़ा कम किया है, पहले हम 8 ग्राम ले रहे थे, अभी हमने 5 ग्राम किया है। तो बस भाई यही तुम्हें अपडेट देना था। एक ओके भाई, तो जो तुम पहला मूवमेंट देखने वाले वो है न्यूट्रल ग्रिप लैट पुल डाउन, लेकिन यहाँ थोड़ी सी जो न्यूट्रल ग्रिप है वो थोड़ी वाइड है आज, तो वो ट्राई कर रहे हैं, तो तुम देखोगे। ओके भाई, तो जो दूसरा मूवमेंट करने वाले हैं वो है इंक्लाइन चेस्ट सपोर्टेड रोल्स, थोड़ा डिसेंट वेट ही आएंगे आज, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं आएंगे, 55 से शुरू करेंगे और शायद आखिरी का 80 ही रहेगा, 80 तक ही जाएंगे। 55 से शुरू करेंगे, 15 रेप्स आने चाहिए, 8 तक जाएंगे मिनिमम। Ah.
ओके भाई, तो मेरे ख्याल से तीसरा मूवमेंट है, रोइंग ही कर रहे हैं, उन्हें बहुत टाइम से नहीं किया है, और मेरे ख्याल से अंडर हैंड तो शायद हम पता कितने सालों बाद ही कर रहे हैं। अंडर हैंड बारबेल रोज बहुत ज़्यादा हमारा फेवरेट मूवमेंट तो नहीं है, बारबेल रोज ही हमारा फेवरेट मूवमेंट नहीं है, बट बहुत टाइम से नहीं किया है तो कर रहे हैं, चुल्ली मच रही है, और थोड़ा थोड़ा एक तरीके से पुश करने के लिए थोड़ा अनसेफ की तरफ भी जाते हैं कभी कभी, मोस्टली नहीं, क्योंकि अगर तुम इसमें ज़रा सा भी अनकम्फर्टेबल फील करते हो तो मत करो, बट अगर अच्छा माइंड मसल कॉन्ट्रेक्शन फील कर रहे हो, इतना लिफ्ट कर पा रहे हो इजीली, तो हाँ डेफिनेटली तुम ट्राई कर सकते हो। तो अभी रियर डेल्ट पे जा रहा है, अगेन मैं मशीन प्रेफर कर रहा है क्योंकि काफ़ी सही कॉन्ट्रेक्शन इसमें आता है। ओके भाई, तो वर्कआउट यहीं तक था आज, काफ़ी हमें सही वर्कआउट लगा क्योंकि मोस्टली मूवमेंट काफ़ी अच्छे थे, जैसे हमने बैक में आज क्या कहते हैं अंडर हैंड जो रोइंग करी थी वो काफ़ी ज़्यादा सही लगी थी, और ट्रैप्स का भी हमने एक ही मूवमेंट किया था, दो नहीं किए थे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हम प्रेशर भी डालना चाह रहे हैं, पूरा अच्छे से ये रिकवर हुआ है। बाकी फोरआर्म्स ठीक था, नेक भी ट्रेन की, और जितना हम लेंस में अभी इसमें देख पाए, ये थोड़ा सा जूम इन लेंस है, इसमें साला कुछ अच्छे से दिखा देता है पता नहीं क्यों, तो थोड़ा सा हम फील कर पा रहे हैं ज़्यादा साइज़, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है। बाकी अभी हमारा पीक वेट 101 से क्रॉस तो कर ही रहा है अभी, मतलब दोपहर में मान के चलो, रात को ये थोड़ा और ज़्यादा होता है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है। बाकी हाँ भाई, यहीं तक रखते हैं वीडियो, तो तुमसे जल्दी मिलता है।